बिहार के मिथिला से जनक नंदिनी तथा प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई और जो पंडित जी होते हैं उन सभी के लिए जो है खोइचा आया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है गोपाल जी ठाकुर जी हैं और हरि सहनी जी हैं, ये लोग जो है मिथिला से लेके आए हैं। अब मिथिला आप लोगों को पता होगा जनक नंदिनी का जन्मभूमि है, वहां से आया है। क्या क्या चीज लेके आए हैं आप? देखिए, बहुत आपको धन्यवाद पहले दे जो बिहार से लेके और अयोध्या तक आप मस्तैदगी से सारा विषय को कवरेज लेते हैं, दिखाते हैं और जनता तक जाता है आपके चैनल के माध्यम से। हम दरभंगा से लोकसभा के सदस्य, मेरा नाम गोपाल जी ठाकुर और मिथिला का केंद्र दरभंगा मानते हैं हम लोग। और दरभंगा से प्रभु श्री राम के लिए चारू भैयन के लिए पीताम्बरी धोती कुर्ता चादर पाग मिथिला पेंटिंग चादर पाग लाए हैं। और माँ जानकी जगदम्बा के लिए साड़ी तमाम वस्त्र अंग वस्त्र और खोइछा जो मिथिला से बेटी को खोइछ दिया जाता है। मतलब क्या होता है, हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो मिथिला की बेटी को जब हम लोग विदा करते हैं या कोई शुभ काम में उनके घर आते हैं तो उसमें लाठी सिंदूर जितना विषय सामग्री खोइछा का होता है वो एक विधान है, वो विधान के अनुरूप मिथिला की बेटी के लिए खोइच लाए हैं। और गहना गुड़िया भी आया है, इसमें कान वाला नथिया जो भी है सामग्री वो गहना है, प्रभु श्री राम का माला भी है। और जो पंडित यहाँ यज्ञ पर बैठेंगे उनके लिए पीताम्बरी का धोती भी हम लोग वहाँ से लाए हैं। प्रभु श्री राम चारों भाई के लिए आसनी का भी इंतजाम किए हैं और भार 501 हम लोग बना के लाए हैं। उसमें 101 भार जो मिथिला का मखाना है, मखान 101 भार अभी हम लोग वहाँ। अभी ये सारा सामान जो है आप लोगों को बेड पे दिखाई दे रहा होगा, ट्रक भर के लेके आए हैं ये। ट्रक में क्या क्या लेके आए? ट्रक में हम लोग 101 मखाना का भार है, टोकना टोकनी करछुल लोहिया जितना घरवास में बेटी को दिया जाता है और चूड़ा चौर दही लाए मुरलाए। उसके बाद यज्ञ सामग्री जितना यज्ञ सामग्री में सामग्री दिया जाता है, जौ तिल घी इत्यादि अक्षत अगरबत्ती सारा सामग्री 86 प्रकार के सामग्री ट्रक में लाए हैं। और आज अयोध्या ट्रस्ट को हैंड ओवर करने वाले भी हैं, सैकड़ों की जत्था में आए हैं, वहाँ के संत वहाँ के एनजीओ के लोग व्यवसायी लोग बुद्धिजीवी और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हरि सहनी जी के साथ अभी हम लोग हैंड ओवर सारे सामग्री करने जा रहे हैं। मैं रोकना चाहता हूँ, कमाल की बात देखिए, हम लोग अयोध्या नगरी राम की नगरी में है और ये दोनों जो है माँ जनक नंदिनी जानकी के जन्म स्थल से आए हैं और मैं वहां से हूँ जहाँ पे रामायण का रचयिता वाल्मीकि यानी चंपारण। तो हम तीनों जो है उस जगह से है जो मतलब कि राम के जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनको देश में न जाने लाखों मंदिर है, दुनिया में कितने पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय एक साथ आ गया कि वैसे राम जी का राम जन्म भूमि ही विवाद में पड़ गया था। 500 वर्ष तक हजार नहीं लाखों लाख आंखियां तरपते तरपते दुनिया से विदा ले लिया, लेकिन वो इस राम के राम जन्मभूमि पर राम मंदिर न देख सका। हम लोग किस्मत वाले है, 2024 इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि दे एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए और उस विवादित मंदिर का ये मात्र किन्हीं को आजादी के 70 साल मौका मिलने के बाद भी वहां मंदिर निर्माण न कर सका। आज 10 साल का प्रधान सेवक कहलाने वाले आज वो हमारे नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर का निर्माण किए विधिवत, क्या कहते हैं, परंपराओं का देश भारत।
तो परंपरा में हम लोग जीने वाले हैं। और कमाल की बात है कि अभी 10 साल हुआ भी नहीं है, 9 साल कुछ महीना ही हुआ है। और हाँ, एक और बात, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़े हुए हैं ना, वो एम्स के जमीन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई जो है आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो विकास का काम भी होता है। आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं एम्स के जमीन के लिए, जमीन मिल जाए और जमीन मिल जाए ताकि, हाँ 9 साल बीत गए अभी तक देखिए जमीन, मतलब कि विकास के लिए भी लड़ाई हो रहा है और अपने धर्म के लिए भी, धर्म का सम्मान भी किया जा रहा है। विकास के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं ये और अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। जब हम लोग आते थे अयोध्या बचपन से और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और आंख से टपा टप आंसू गिरता था, जो है प्रभु राम आपका हम शपथ भी खाते हैं यहाँ नगरी में, और ये 500 साल से ऊपर नहीं बन सका तो बनेगा कैसे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भूमि पूजन भी किए और उद्घाटन भी 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, और विरोधी तो कहता था जो तारीख न बताइए, आज तो विरोधी को हम तारीख भी बता दिए हैं। चलिए राम मंदिर का तो बात हो रहा है ना, एम्स के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं ये जमीन के लिए, और जल्द जमीन भी मिलेगा वहां पे भव्य, एम्स भी बनेगा, लोगों का इलाज भी होगा। यानी जो नेता कहते थे कि अगर चोट लगेगा तो अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे, उसी नेता से हम लोग कहना चाहते हैं कि जमीन दे दीजिए, वहां पे एम्स बन जाएगा, वहां पे आके इलाज करा लीजिएगा। उस नेता से हम कहना चाहते हैं जो अस्पताल की बात करते हैं, दरभंगा DMCH जिसकी स्थापना 1925 में हुआ और आजाद भारत में उसको 1,500 बेड का स्वीकृति भी मिली, और आज तक 60 वर्षों पहले जहां 1,500 बेड स्वीकृति दिया गया, आज तक उसमें 300 बेड का निर्माण नहीं हो सका। और जो उस 60 वर्ष पहले छूटा न्यूरो, हार्ट, कैंसर, बच्चा का सर्जरी, आज तक राज्य की सरकार एक नाला का निर्माण भी नहीं करा सके। और ये लोग अस्पताल की बात करते हैं, 33 साल माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं राज्य में, और आज तक उत्तर बिहार जहां अररिया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, कहां कहां के नेपाल तक के पेशेंट आते हैं, आज तक कहां हो सका। आज तक न्यूरो, हार्ट, कैंसर, बच्चा का सर्जरी, एक नाला का निर्माण नहीं करा सका। ये क्या अस्पताल की बात करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 15 के बजट में दूसरा एम्स दिए, जहां इस देश में 60 वर्षों की सरकार में मात्र एक एम्स का निर्माण हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 6 एम्स दिए, और नरेंद्र भाई मोदी आज 16वां एम्स दरभंगा दिए, जो उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने निर्णय लिया जो हम एम्स देंगे। और 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1,264 करोड़ 750 बेड निर्माण के लिए वहां उपलब्ध करवा दिए, डायरेक्टर दे दिए। वहां पर 75 एकड़ की भूमि में जब राज्य में हम अलायंस की सरकार में थे तो 75 एकड़ लोन लैंड भी हम भरा दिए, 81 एकड़ हमको स्टाम्प पर हैंड ओवर भी हो गया जमीन। और तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, प्रेमचंद्र मिश्र जो माननीय विधान परिषद है, विधानसभा में जब प्रश्न किए जो भाई यहाँ से क्यों आप हटा रहे हो, तो उन्होंने कहा जो यहाँ तो जाम की स्थिति हो जाएगी, इसलिए हम इसको हटा के गड्ढा में ले जा रहे हैं। और जब वो गड्ढा में ले गए तब उनका जो माननीय मनोज झा जी राज्यसभा और 19 सांसद घवंडिया गठबंधन के सांसद लिख करके दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को, अब यहाँ पर तो गड्ढा में एम्स नहीं बनेगा, इसको आप सहरसा कर दें, लिखित सारे सांसद लिख करके दिया। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं, अब तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, अब जरा आप लोग बताइए, ये जो सांसद महोदय है उनको जानकारी है कि नहीं विकास की, अस्पताल की जानकारी है कि नहीं, इन्होंने पूरा डेटा बताया। अब बताइए कि अस्पताल के निर्माण में रोड़ा कौन अटका रहा है। अब बताइए 2015 के बजट में इस देश में जितना भी एम्स पारित किया गया, गोरखपुर एम्स बन के तैयार हो गया, इलाज भी चालू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सब हो गया, लेकिन दरभंगा में आज तक एम्स नहीं बना है। तो जो धर्म पे जिनको भरोसा होता है
वो पाप पे और पुण्य को जानते हैं और उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमें ऊपर वाले को हिसाब देना होता है। वो लोग विकास भी करते हैं, लेकिन जो लोग आस्तिक लोग नहीं है उन लोग तो यही करेंगे कि एम्स बनवाएंगे नहीं, जमीन देंगे नहीं, अस्पताल की बात करेंगे, और जब ज्यादा विरोध हो जाएगा तो रात में 12 बजे निकलेंगे, अपना ही अस्पताल का सर्वेक्षण करेंगे तो पता चलेगा अपना ही अस्पताल 0/9। उसमें मैं एक विषय करना चाहता हूँ, जब इन्होंने कहा विधान परिषद के माननीय प्रेमचंद जी के प्रश्न पर जो जाम लग जाएगी, तब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हम 81 एकड़ हैंड ओवर एम्स के लिए लिए, माननीय प्रधानमंत्री जाने वाले थे शिलान्यास के लिए, वहां के डायरेक्टर झंडो तोलन 15 अगस्त सभी कर रहा था, तब 2100 बेड जहां इस 60 वर्षों में 300 बेड का निर्माण नहीं करा सका, वहां दरभंगा के और मिथिला के लोगों को ठकने के लिए 2100 बेड का वहां शिलान्यास करते हैं, ये कहां से औचित्य होता है? तब दाम वहां पर मतलब ये क्रेडिट लेने के लिए और सिर्फ बिहार को विकास से भटकाने के लिए। चलिए वो तो विकास की बात हो गई, लेकिन अभी इन सब चीजों पे ही बातचीत हम लोग करेंगे। ट्रक में 81 प्रकार का सामान है, 86 प्रकार का सामान है, और ट्रक का वजन कितना है, सामान का वजन कितना है लगभग? कितना होगा? उतना तो तौल करके नहीं लाया। हाँ, फिर भी 5 क्विंटल। अच्छा, क्या आपके दिमाग में क्या आया कि मिथिला से हम लोग सब कुछ ये सारी चीजें को लेके चलते हैं? मैं उसमें असल में है क्या, जो जब माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं जो दुनिया में मिथिला का संस्कृति सभ्यता कहीं गोपाल नहीं मिलता है, और मिथिला का जो मखाना है जहाँ की माँ सीता, माँ सीता जगत हाँ। जननी जानकी, तो कहते हैं जो मखान जो मिथिला का है वो तो हम सेवन करते हैं, उसके लिए हम ग्लोबल मार्केटिंग परचेजिंग भी चाहते हैं। आज उस मखान के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले बजट में 10,000 करोड़ प्रावधान किए और उसमें 2-4-5 आइटम और जोड़े और राष्ट्रीय मखाना केंद्र भी दिए। आज माँ जानकी का जो नैहर मिथिला तो और उसका राजधानी केंद्र दरभंगा, मिथिला का अयोध्या से क्या रिश्ता है? वही प्रभु श्री राम का जो वहां पर ससुराल हुआ और प्रभु राम के ससुराल में वहाँ गाली भी यदि किसी को देने का अधिकार है तो मिथिला वासी को ही है, और जानकी वहाँ की बेटी हाँ। और जानकी के लिए जो 500 वर्षों बाद यहाँ पर घर प्रभु श्री राम का बना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसमें घरवास के लिए जो सामग्रियां होना चाहिए, तो मेरे मन में आया जो घरवास मिथिला के केंद्र जनकपुर से तो आ ही रहा है और जगह से हो ही रहा है, सीतामढ़ी हर जगह, तो केंद्र जो दरभंगा उसमें पाहुन जो हमारे प्रभु श्री राम है और माँ जानकी जो मेरी बहन है उसके घरवास सामग्री के लिए सारा विषय जाए, तो खास करके मखाना। मंदिर से विकास होता है कि नहीं होता है? देखिए मंदिर से ही सब कुछ होता है हाँ। इस सृष्टि जो चल रही है हाँ। किसी को जो घमंड है तो घमंड टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, माँ जानकी के बिना। मंदिर से विकास होता है कि नहीं आप बताइए? और जितने लोग हैं जब फंसते हैं विपत्ति में हाँ। या कौन ऐसे व्यक्ति है जो भगवान के बिना कृपा से आज तक ऊंचाई तक का सफर तय किए हैं, सब प्रभु श्री राम के कृपा से ही ऊंचाई की प्राप्ति किए हैं, धन संपद दौलत राजनीतिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में बिना प्रभु श्री राम। हम तो कहते हैं जो भाई अस्पताल से ऊपर प्रभु श्री राम का जो हमारे मंदिर का निर्माण हुआ इससे ऊपर हम इसको मानते हैं। देखिये इसलिए भी जरूरी है ना मंदिर, कि मंदिर में जाने वाले लोग आस्तिक होते हैं और वो अपराधी नहीं होते, आपराधिक घटनाओं में संलिप्त नहीं होते, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 9 साल में इस सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार वाला दाग नहीं लगा। मंदिर से विकास होता है कि नहीं आप बताइए? देखिए मंदिर का अर्थ हुआ अध्यात्म सीधा, जो व्यक्ति अध्यात्म से पूरा पूरा लगाव रखते हैं उसके अंदर कर्तव्य बोध अधिक होता है, वो अधिकार खोजता है तो कर्तव्य भी
बोध होते रहता है। जो कर्तव्य बोध होगा तो स्वतः अपने देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा उसके जीवन में होगा, उसके खून में होगा, और तब जाकर के देश बेहतर ढंग से। इस देश में जैन लोगों की संख्या 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर संचालित जैनों के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा डोनेशन जो है जैनों के द्वारा दिया जाता है, सबसे ज्यादा अस्पताल जो है जैनों के द्वारा बनाया गया, और इस देश के टोटल इकोनॉमी में 60% का योगदान जैन लोगों का। इस देश के टोटल इंडस्ट्री बिजनेस इंडस्ट्री में 60% योगदान जैन लोगों का है। क्यों? क्योंकि वो लोग धार्मिक लोग भी होते हैं और उन्हें अपना कर्तव्य बोध पता रहता है कि उन्हें करना क्या है। बाकी माँ सीता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो मिथिलांचल से ये सारा चीज आया है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बस परंपरा का निर्वहन करने के लिए परंपरा है कि बेटी के घर से जो गृह प्रवेश के अवसर पर बेटी के घर से आएगा तो यूपी और बिहार, अयोध्या और मिथिला, तो आज मिथिला से आया है ये परंपरा के अनुसार, मतलब बेटी के घर से आया है दामाद के घर में ये गृह प्रवेश के अवसर पर। जय सियाराम। तो इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ एक अटल सत्य आप लोग जरूर बताना कि मंदिर से विकास होता है कि नहीं। जय सियाराम।